मैं डॉक्टर राजेश रेड्डू, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट, लोटस डायग्नोस्टिक एंड इमेजिंग सेंटर हिसार, नियर गुरुद्वारा मॉडल टाउन हिसार। हमने सीटी और एमआर से रिलेटेड यूनाइटेड इमेजिंग से एक रिसर्च कोलैबोरेशन किया है, जो हम कंपनी के साथ मिलकर रिसर्च करेंगे, जिसमें हमारे कुछ टॉपिक्स होंगे। जैसे हमारा पहला टॉपिक होगा फीटस एमआर, मतलब फीटस जो गर्भ में बच्चा होता है उसका ब्रेन संबंधित कितनी डेवलपमेंट है, कैसी डेवलपमेंट है, इससे संबंधित एमआरआई। बच्चे के दिल में छेद है या नहीं है, बच्चे के दिल में कोई दिक्कत तो नहीं है, उससे संबंधित एमआरआई। तो फीटस एमआरआई से रिलेटेड रहेगा एक रिसर्च। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा लीवर और प्रोस्टेट कैंसर से संबंधित। लीवर और प्रोस्टेट कैंसर में हम नई टेक्नोलॉजी लेके आएंगे, जो छोटे से छोटा लीजन और उसमें वो देखेगी, और दूसरा उसको हम आगे और भी बढ़ाएंगे अपनी मशीनों में। ये नई एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीनें, इन मशीनों में और भी हम एडवांसमेंट लेके आएंगे आगे। ये हमारा कंपनी के साथ कोलैबोरेशन हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे कंपनी के रिसर्च हेड दिलीप कुमार जी बैठे हुए हैं, वो भी आपको ब्रीफ करेंगे इन टॉपिक्स पे। दिलीप कुमार जी, थैंक यू डॉक्टर राजेश जी। मेरा नाम डॉक्टर दिलीप, एंड मैं यूनाइटेड इमेजिंग में काम कर रहा हूँ एज अ डायरेक्टर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमने सर के साथ में पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप में हमारा आइडिया जो है कि जो टेक्नोलॉजी हम एज अ कंपनी डेवलप कर रहे हैं, उन टेक्नोलॉजीज़ को हम यहाँ पे रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें इनके सेंटर पे। इसका जो फ़ायदा होने वाला है वो हमारी नॉर्मल जनता को होने वाला है, जो आपके हिसार जैसे जगह है जहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं, ये फैसिलिटीज़ अब आपको यहाँ पे भी मुहैया कराई जाएंगी आपके हिसार जैसे रीजन में। साथ में ही हमारी जो पार्टनरशिप है, इसका बेनिफिट जो है पूरी की पूरी रेडियोलॉजिस्ट कम्युनिटी को होने वाला है, क्योंकि ऐसे नए टॉपिक्स अगर हम यहाँ पे चलाएंगे, ऐसे नए टॉपिक्स पे रिसर्च होगी, तो इसका फ़ायदा जो है यहाँ के रेडियोलॉजिस्ट को भी होगा, क्योंकि वो भी उनको भी कुछ सीखने को मिलेगा। साथ में ही हम ये टॉपिक जो है खाली इंडिया में ही नहीं, बल्कि इसको हम और इंटरनेशनल लेवल पे भी ले जाना चाहेंगे फ्यूचर में। तो मैं इसके साथ में बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो पार्टनरशिप है, आगे आप देखोगे 4 या 5 साल के लिए हम जो है पार्टनरशिप कर रहे हैं, इस पार्टनरशिप में बहुत सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, जो कि कुछ कॉन्फिडेंशियल है, मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, ये पूरा इसका बेनिफिट जो मिलेगा वो लोकल पॉपुलेशन को मिलेगा, उनके जो है डिसीज डिसेक्शन में। जी, एडवांस टेक्नोलॉजी की मशीन यहाँ लगाई है। जी सर, ये इसके साथ की मशीन हरियाणा में और कहाँ है? सर, हरियाणा में तो अभी ऐसी सिमिलर, मतलब साथ की सी मशीन तो अभी नहीं है, ये सर के साथ पे ही पहली मशीन लगी हुई है। हाँ, इस तरह की मशीनें हमने और लगाई हुई हैं इंडिया में, और ज़्यादातर हमारी फॉरेन में भी हैं, विदेशों में मशीनें। जो इससे पहले जो मशीनें ऑलरेडी हैं हॉस्पिटलों में, अन्य शहरों में, और आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी की जो मशीन आई है जी, लोटस अल्ट्रासाउंड सेंटर में, जी सर, उनमें क्या अंतर है और क्या अलग से बताएंगे? सर, अंतर उनमें बहुत सारे हैं। जैसे कि जो हमारी मशीन है, इनके यहाँ पे लोटस डायग्नोस्टिक सेंटर में जो लगी हुई है, उसका मॉडल नंबर है UMR 580। वो बहुत ही फास्ट मशीन है। एक चीज़ उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है लगा हुआ है, जिससे कि जो पहले एग्ज़ाम 20 मिनट में होते थे, अभी वही एग्ज़ाम अब जो है करीब 15 से और कम मिनट में कर, मतलब आधे टाइम में आप कर सकते हो। कुछ एग्ज़ाम्स जो है पहले उनको टाइम लगता था 5 मिनट, आज की डेट में हम उनको जो है कम करके 1 मिनट पर भी लेके आ सकते हैं। तो ये एडवांस है। दूसरा एक होता है हमारा क्लिनिकल एरिया कहते हैं जिसको, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं आपके पास में, कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, लिवर में जो है डिसीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, तो वो भी इनके जो है एडवांस मशीन पर अवेलेबल है, रेडी है इनके पास में। दूसरा मैं ये बता दूँ कि ये हमारी जो नवंबर या दिसंबर में जो MRI के अंदर आपने किसी ने करवाई हो, तो MRI में बहुत आवाज़ आती है ऐसे करके, तो ये हरियाणा की फर्स्ट साइलेंट MRI होगी। ये हमारी नवंबर दिसंबर में हम इसको अपग्रेड करके साइलेंट MRI कर रहे हैं जी।